आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे ऐप स्टेटस रिजेक्टेड है, यानी कि ऐप को रिजेक्ट किया गया है। सो आज हम लोग बात करेंगे व्हाई गूगल प्ले रिजेक्ट्स एप्स, सेकेंड व्हाट टू डू आफ्टर ऐप रिजेक्शन, एंड थर्ड जब ऐप रिजेक्ट होता है तो आपका जो प्ले कंसोल अकाउंट है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। सो ये सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग एक्सपी। मैं ऐसे ही एंड्रॉइड रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप अभी तक कोडिंग एक्सपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐप को रिजेक्ट किया गया है। ये वाला ऐप को एक बार नहीं, तीन तीन बार रिजेक्ट किया गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों इसको रिजेक्ट किया गया है। फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये फर्स्ट वाला रिजेक्शन है, एंड देखिए सेम एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला रिजेक्टेड है। मैं आपको थर्ड रिजेक्शन भी दिखा देता हूँ, देखिए सेम एप्लीकेशन है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिजेक्टेड है। सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं गूगल प्ले क्यों एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं। देखिए अगर आप कोई पॉलिसी को वायलेट करेंगे, यानी कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में कुछ गलत डाल देंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट में कुछ गलत तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या आप स्पैम करेंगे एएसओ करने के लिए, यानी कि आप आपके एप्लीकेशन को सर्च में लाने के लिए ज़्यादा कीवर्ड रॉन्ग तरीके से पुट कर रहे हैं, उसके वजह से यहाँ पे रिजेक्शन आता है। जब ऐप रिजेक्ट होता है आप उसको सही कर सकते हैं, यानी कि जो आपका प्रॉब्लम है अगर आप उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर देंगे तो आपका ऐप लाइव हो जाएगा प्ले स्टोर पर। अभी नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो हम लोगों का जो गूगल प्ले कंसोल अकाउंट है उसके ऊपर कोई असर पड़ता है या नहीं। मैं आपको गूगल का एक पॉलिसी दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है रिजेक्शन डोंट इम्पैक्ट द स्टैंडिंग ऑफ योर गूगल प्ले डेवलपर अकाउंट, यानी कि आपके डेवलपर अकाउंट पे डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ पड़ता है। अगर आपका ऐप रिजेक्ट हो रहा है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली रिजेक्शन का कारण आइडेंटिफाई कीजिए एंड उसको सॉल्व कीजिए तो आपका रिजेक्शन हट जाएगा। अभी मैं बात कर लेता हूँ रिजेक्ट होने के बाद आप क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज क्लियरली लिखा है, डोंट अटेम्प्ट टू रिसबमिट ए रिजेक्टेड ऐप अंटिल यू हैव फिक्स्ड ऑल द पॉलिसी वायलेशन, यानी कि यहाँ पे क्लियरली लिखा है फर्स्ट आप जो पॉलिसी वायलेट किया है उसको रिजॉल्व कीजिए अच्छे से, उसके बाद आप एप्लीकेशन को रिसबमिट कीजिए, नहीं तो फिर से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट में चला जाएगा। अभी मैं बात करूंगा फर्स्ट हम लोग जो एप्लीकेशन देखे थे उसका रिजेक्शन का कॉज, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इशू विथ योर ऐप, एंड यहाँ पे लिखा है योर ऐप कॉन्टेंट दैट डज नॉट कम्प्लाई विथ आवर मेटा डेटा पॉलिसी, यानी कि ये वाला जो एप्लीकेशन है ये मेटा डेटा पॉलिसी को वायलेट किया है। अभी यहाँ पे एग्जैक्ट दिया हुआ भी है कि क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखा है फुल डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे लिखा है स्मॉल स्मॉल, यानी कि फुल डिस्क्रिप्शन में आप सिर्फ दो कीवर्ड को रिपीट कर दिया है जो कि है स्मॉल स्मॉल, यानी कि लगातार रिपीट कर दिया, लगातार आप ऐसे कुछ सेंटेंस लिख दिया है कि स्मॉल स्मॉल, फिर नेक्स्ट कुछ लिख दिया है जो कि सही नहीं है, सेंटेंस सही नहीं है, उसके वजह से आपका एप्लीकेशन में रिजेक्शन आया है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं फुल डिस्क्रिप्शन है, स्मॉल स्मॉल रिजेक्शन आया है। सो मैं ये वाला जो एप्लीकेशन है इसका स्टोर लिस्टिंग देखा एंड मैं लिटरली जाके फाइंड किया, एक जगह में दो स्मॉल लिखा था एंड मैं एक स्मॉल को हटा दिया एंड उसके बाद मैं सिंपली उसको पब्लिश कर दिया, फिर 2 दिन के लिए वो रिव्यू में चला गया, उसके बाद एप्लीकेशन लाइव हो गया। सो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम था। अभी जो सेकेंड वाला है, एंड देखिए यहाँ पे भी सेम पॉलिसी वायलेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर ऐप फुल एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कॉन्टेंट इन प्रॉपर फॉर्मेटिंग, एंड ये वाला एक बंगाली एप्लीकेशन था, एंड उन्होंने क्या किया कुछ कीवर्ड में रैंक करने के लिए उन्होंने सेम कीवर्ड को कॉमा कॉमा लगा के फुल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कीवर्ड है, देन कॉमा लगा दिया, देन नेक्स्ट कीवर्ड को ऐड कर दिया एंड देन कॉमा लगा के नेक्स्ट कीवर्ड को ऐड किया है। सो उसके वजह से यहाँ पे रिजेक्शन आया है। सेम उन्होंने फिर क्या किया, ये सब को हटा दिया एंड ऐप को सबमिट कर दिया तो ऐप लाइव हो गया। अभी थर्ड वाला देखते हैं, एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम इशू है, ऐप को सर्च में लाने के लिए उन्होंने क्या किया कुछ कीवर्ड को कोमा कोमा लगा के ऐड कर दिया फुल डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फुल डिस्क्रिप्शन। सो सेम तरीके से ये वाला कीवर्ड हटा दिया एंड अगेन पब्लिश कर दिया तो ऐप लाइव हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम सबका पॉलिसी है, मेटा डेटा पॉलिसी वायलेट किया गया है। अभी ये मेटा डेटा पॉलिसी थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पे है। देखिए एक गूगल प्ले का डेवलपर प्राइवेसी पॉलिसी है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सब प्राइवेसी पॉलिसी एंड रूल्स को एक्सप्लेन किया गया है।
अगर यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए स्टोर लिस्टिंग एंड प्रमोशन, इसके अंदर है यहाँ पे मेटा डाटा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है आप कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए 3 नंबर जो दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है डॉक कॉमा देके मीडियम डॉक्स स्मॉल डॉक्स, ये वायलेशन है। यहाँ पे सेकंड वाला यहाँ पे दिखा रहा है इट इज द नंबर 1 ऐप, ये भी वायलेशन है। एंड यहाँ पे जो लिखा है सी हाउ मच यूजर लव अस, यानी कि आप डायरेक्टली रेटिंग्स के लिए बोल रहे हैं, तो ये भी एक वायलेशन है जो कि मेटा डेटा वायलेशन के अंदर आता है। सो अगर ये सब गलती करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है तो उसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। एप्लीकेशन अगर 2-3-4 बार रिजेक्ट होता है तो आपका गूगल प्ले कंसोल अकाउंट पर डायरेक्टली कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपका एक एप्लीकेशन लगातार रिजेक्ट हो रहा है, आप लगातार उसको पब्लिश कर रहे हैं, तो कुछ हो सकता है, यानी कि ऐप रिमूव या फिर ऐप सस्पेंड भी हो सकता है। सो यही कुछ कारण था, इसके वजह से ज़्यादातर ऐप रिजेक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारा रीजन है, अगर आपका कोई ऐप रिजेक्शन आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड किस वजह से आया है वो भी आप बोल सकते हैं। सो आज का वीडियो यही तक था। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।